दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राम अभिलाष बागी। दोस्तों छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज़ की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी आरओ परीक्षा होगी। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले के 136 केंद्रों पर कराई जाएगी। सुबह 9:30 से 11:30 की पहली पाली में सामान्य अध्ययन एवं 2:30 से 3:30 की पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी। जिले में 60,397 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए 45 सेक्टर और 136 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश भर के 58 जिलों में 2387 केंद्रों पर 10,76,004 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। DGP बोले, सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी हर अफवाह का तत्काल करें खंडन। दोस्तों DGP प्रशांत कुमार ने आरक्षित नागरिक पुलिस की 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आगामी 17 और 18 फरवरी को सभी जिलों में होने वाली लिखित परीक्षा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी कमिश्नरेट और जिले के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि अभिसूचना तंत्र और सोशल मीडिया सेल को और अधिक सक्रिय और सतर्क करने की परीक्षा के संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाह या आपत्तिजनक तथ्यों का तत्काल खंडन करते हुए विधिक कार्रवाई की जाए। पुलिस मुख्यालय में शनिवार को DGP ने बोर्ड भर्ती की अध्यक्ष DG रेणुका मिश्रा के साथ अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यातायात सुरक्षा पुलिस प्रबंध करने के साथ महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट व QRT टीम तैनात करने को कहा। साथ ही परीक्षा केंद्रों, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एवं बस टैक्सी स्टैंड तथा होटल एवं रेस्टोरेंट पर भीड़ प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाने को भी कहा है। राजपत्रित अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेट की संयुक्त रूप से ड्यूटी लगाई जाए। कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएँ। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी सिपाही भर्ती हॉट स्पॉट और QRT रहेगी। दोस्तों DGP प्रशांत कुमार ने नागरिक पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 17-18 फरवरी को होने वाली परीक्षा के दौरान कड़े सुरक्षा प्रबंध के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दिन नकल की दृष्टि से हॉट स्पॉट के तौर पर चिन्हित स्थानों पर QRT तैनात की जाए। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाए। DGP ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों व नोडल कमिश्नर के साथ अधिकारियों की ब्रीफिंग करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी तीसरा चरण पहले दिन 1500 का हुआ पंजीयन। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण में आवेदन की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हो गई। पहले ही दिन में परीक्षा में शामिल होने के लिए 1500 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कर लिया। वहीं 700 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करा दिया। वहीं फाइनली रूप से 300 अभ्यर्थियों ने आवेदन को पूरा कर लिया है। BPSC ने कहा कि समय रहते अभ्यर्थी फाइनल आवेदन भर दें, अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अंत में एक साथ आवेदन करने पर सर्वर की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं शनिवार तक आयोग के पास रिक्तियां नहीं पहुंची थी। वही अभ्यर्थियों की रिक्तियों का इंतजार है, किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं उसी अनुरूप आवेदन करेंगे। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी सेवा चयन आयोग जल्द अध्यक्ष। विधान परिषद में शनिवार को आश्वासन दिया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। काम रोको प्रस्ताव के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि आयोग में नए अध्यक्ष और सदस्यों की चयन प्रक्रिया चल रही है और बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, जल्द इनकी तैनाती की जाएगी। शून्यकाल में निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह तथा डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने यह मुद्दा उठाया। दोस्तों परीक्षा केंद्र के निर्धारण में गड़बड़ी पचा गए अफसर। यूपी बोर्ड परीक्षा के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र बनाने में हुई गड़बड़ी को माध्यमिक शिक्षा के अफसर पचा गए। आपके अखबार हिंदुस्तान में पिछले महीने केंद्र निर्धारण में की गई गड़बड़ियों पर नियत पुरानी टैगलाइन से समाचार श्रृंखला प्रकाशित की गई, जिसमें राजकीय और एडेड कॉलेजों को केंद्र सूची से बाहर करने सहित केंद्र निर्धारण में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया गया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक और यूपी बोर्ड के सभापति डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों को राजकीय और एडेड कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाने की जाँच करने और 30 जनवरी तक जाँच रिपोर्ट यूपी बोर्ड को सचिव को भेजने के आदेश दिए थे। हालांकि समय सीमा बीतने के 11 दिन बाद भी 18 में से किसी भी मंडल उप शिक्षा निदेशक ने अपनी जांच रिपोर्ट यूपी बोर्ड को नहीं भेजी है। नकल माफियाओं के खेल में सरकारी सिस्टम फेल हो गया है। मनमाने केंद्रों पर 22 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऑनलाइन केंद्र निर्धारण और हर साल नई शिक्षा नीति जारी करने के औचित्य का क्या
है जबकि निर्धारण नकल माफियाओं के इशारे पर ही होना है। इस मामले में यूपी बोर्ड का सचिव दिव्यकांत शुक्ल का कहना है किसी मंडल से जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी 69,000 शिक्षक भर्ती सीएम को पत्र भेजकर याची लाभ दिलाने की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने शनिवार को चारबाग स्थित छेदी लाल की धर्मशाला में बैठक की। इसमें पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने बताया कि 12 फरवरी को आरक्षण घोटाले की सुनवाई है। ऐसे में हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं कि भर्ती में कोर्ट में प्रस्ताव प्रस्तुत कर याची लाभ देने की पहल करें। प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को इसके लिए अभ्यर्थियों ने पत्र भेजा है। संविदा शिक्षिकाओं की नियुक्ति 5 माह में भी नहीं। जिले में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा एवं पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया 5 महीने में पूरी नहीं सकी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने शिक्षिकाओं समेत लेखाचार के 4 मुख्य रसोइया के 1 रसोइया के 10 चौकीदार के 3 चपरासी के 1 पद पर नियुक्ति के लिए 20 जुलाई 2023 को विज्ञापन जारी किया था। अभ्यर्थियों से 16 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन मांगे गए थे। सभी पदों पर 1900 से अधिक महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। गौरतलब है कि इसमें पहले कस्तूरबा विद्यालयों में भर्ती को लेकर विधि कड़चन के कारण 2 साल तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करें। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।